कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इकबाल के सामने हुजूर का नाम लिया गया हो और वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर ना रोया हो, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अलामा इकबाल कुरान मजीद की तिलावत करते हों और आँखों ने आंसू का खराज ना दिया हो। जब आखिरी उम्र आई तो आपके गले का मसला हो गया, तो कलाम मुश्किल हो गया था। इकबाल से किसी ने आके पूछा कि बताओ क्या हाल है, तो इकबाल ने कहा लुत्फ़ कुरान सहर बाकी नमान। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सहरी के वक्त उठ के कुरान पढ़ने का जो लुत्फ़ था वो बाकी नहीं रहा।